हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में पर्ल से ये राखी और लुम्बा बनाया है। ये देखिए, इसको हमने पहले पर्ल से बनाया है, फिर इसके बाद से इसमें फोम शीट के फ्लावर लगाया है, रेड और येलो। ये दोनों ही देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली राखी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 mm के ये पर्ल लिए हैं और इसको हम ये फिश वायर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने फिश वायर में 12 पर्ल डालेंगे और उससे एक रिंग बनाएंगे। यहाँ पे हमने 12 पर्ल डाल लिया है, इसको यहाँ पे हम नॉट लगा के रिंग बना लेंगे। ये देखिए, ये रिंग बन गया है। इसको हम 2 पर्ल क्रॉस करके हम एक बार और नॉट लगाएंगे, डबल सिक्योर करेंगे, जिससे कि कहीं भी हमारा खुले नहीं। यहाँ भी हम एक नॉट लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे 3 पर्ल और लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे है और हम इसमें अपनी वायर को इंसर्ट करेंगे। ये इस तरह से फिर हम 3 पर्ल लेंगे और नेक्स्ट पर्ल में जो है इसको इंसर्ट करेंगे। और इसी तरह से ये हमने 12 पर्ल लिया है तो 6 टाइम इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे।
ये देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब ये इसको हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। अब ये जो जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पे हमने ये फोम वाले रोज़ लिए हैं येलो और रेड, हम इन दोनों को इसमें बांधेंगे। इसमें ऑलरेडी वायर दिया हुआ है तो इसी वायर से हम इसको इन मोतियों के बीच में लगा के इसको हम बांध देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसको गन ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें वायर दिया हुआ है तो हम इसको इसी से इसके साथ में अटैच कर देंगे अच्छे से दो चार। कई बार घुमा देंगे तो ये निकलेगा नहीं। और ये दूसरे वाले में हम रेड फ्लावर लगा देंगे इसी तरह से। इसी वायर से इसको घुमा के हम येलो को भी इसके साथ इस तरह से बांध देंगे जिससे कि दोनों एक साथ दिखाई दे। इस वायर को हम इस तरह से घुमा देंगे और इसको अंदर कर देंगे। ये देखिए ये हमने दोनों कलर का रोज़ लगा दिया है। इसी तरह से हमने ये देखिए एक और तैयार कर लिया है। अब हम एक से लुम्बा बनाएंगे और एक से राखी बनाएंगे। अब हम अपने राखी और लुम्बा में धागा ऐड करेंगे। तो पहले हम राखी तैयार करेंगे तो इसमें हम ये दोनों साइड हम धागा लगाएंगे। यहाँ पे हमने इस तरह का धागा आता है जो एंकर का, वो हमने यूज़ किया रेड कलर का। सेम साइज़ का हमने दो धागा लिया है और इसको हम इस तरह से सुई की मदद से इसको हम यहाँ से सिंगल धागा निकाल लेंगे। इस तरह से और इसी तरह से इधर से भी कर लेंगे।
ये दोनों साइड धागा लगा दिए। अब इसमें हम लगाने के लिए देखिए हमने रेड बीट, वाइट, गोल्डन, ये लंबी मोती और पर्ल के छोटे बड़े सारे मोती लिए हैं। ये सब लगा के हम अपना राखी कंप्लीट करेंगे। अब ये दोनों धागा को हम इसमें, क्योंकि मोटा हो जाएगा तो हमारा डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो हमने ये देखिए पतले वाले धागे से डालेंगे। सबसे पहले हम 1 रेड बीट डालेंगे, ये छोटी वाली हमने कटोरी लगाई है, फिर वाइट पर्ल और गोल्डन पर्ल करके हम इसको बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने लगा लिया है, और इसी तरह से हम इधर भी लगा लेंगे। ये देखिए ये राखी बन गई है। अब यहाँ हम यहाँ पे लास्ट में एक नॉट लगा देंगे जिससे कि मोतियाँ निकले नहीं। इसी तरह से हम इधर भी लगा लेंगे। ये हमारी राखी तैयार हो गई है। अब लुम्बा में हम नीचे लटकन बनाएंगे और ऊपर बांधने के लिए बनाएंगे। अब हम ये पहले ऊपर हम धागा लगा देंगे इस तरह से। अब दोनों धागा को लेके हम इसमें भी अपनी गोल्डन, वाइट, पर्ल सारा लगा के हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए इसके लिए हमने ये बड़ी कटोरी ली है और ये एक बड़ा बीट लिया है। दोनों ही साइड हमने कटोरी लगा लेंगे, उसके बाद से रेड बीट, ये देखिए ये लग गया है। अब हम नीचे लटकन तैयार करेंगे। तो लटकन तैयार करने के लिए ये हमने सिंपल ही धागा लिया हुआ है, इसमें पहले एक हम छोटी मोती डालेंगे।
वे दोनों धागा को एक साथ हम इसमें करके बाकी की मोतियां डालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बना लिया। इसी तरह से हमने दो और बना लिए। अब ये तीनों को हम एक पहले गोल्डन मोती में एक साथ कर देंगे पहले, और फिर उसके बाद से इसको हम यहाँ पे बांध देंगे। तीनों एक साथ हो गए हैं। इसको यहाँ पे हम बांध देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया है। ये हमारी लुम्बा बन के तैयार हो गया है। ये लुम्बा और राखी देखिए, दोनों ही कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।